व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इंटरव्यू में जब किसी से सवाल पूछा जाता है तो मोस्टली लोग क्या आंसर देते हैं, डू यू नो माई वीकनेस इज दैट आई एम वेरी इमोशनल, या फिर आई डोंट हैव एनी वीकनेस। स्ट्रेंथ के बारे में हो तो माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, या फिर माई स्ट्रेंथ इज आई एम वेरी मोटिवेटेड एंड सेल्फ ड्रिवन। लग रहा होगा ठीक ही तो कहा है, बट वेट, दिस इज अ वेरी पुअर आंसर दैट यू आर गिविंग टू द इंटरव्यूअर। सो वीडियो के कंप्लीट होने तक आई होप आपको प्रॉपर आंसर की जानकारी मिल जाएगी, सो वॉच टिल द एंड। जॉब अपडेट, इंटरव्यू टिप्स, स्किल डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल जरूर विजिट करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कमिंग टू द पॉइंट, सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। सो प्रॉपरली आंसर करने के लिए आपको तीन स्टेप का पता होना चाहिए। नंबर वन, होमवर्क। सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ की लिस्ट बनानी है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस जॉब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रेंथ की लिस्ट प्रिपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी आंसर देने में। नंबर टू, जॉब डिस्क्रिप्शन। जिस पोजीशन के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें ताकि आप उसके हिसाब से अपने स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर पाओ। नंबर थ्री, आंसर विथ एग्जाम्पल। हो सकता है आपका स्ट्रेंथ हो गुड कम्युनिकेटर, बट अगर आप उसको एग्जाम्पल के साथ, लाइक किस टाइम पे आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल से किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल किया। फॉर एग्जाम्पल यू कैन आंसर लाइक दिस, वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज माई एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशन क्विकली। फॉर एग्जाम्पल इन माई प्रीवियस रोल आई वॉज ऑफन आस्क्ड टू टेक ऑन न्यू प्रोजेक्ट विथ टाइट डेडलाइंस एंड आई कंस्टेंटली डिलीवर हाई क्वालिटी रिजल्ट। वीकनेस बताने से पहले आपको बता दूं, जॉब प्रिपरेशन के और भी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं, तो एक बार जरूर विजिट करें। नाउ कमिंग टू द वीकनेस, वीकनेस को बेहतर तरीके से बताने के लिए आप ये तीन स्टेप फॉलो कर सकते हैं। नंबर वन, नॉट रिलेवेंट। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को सही से पढ़ना है और आपको अपनी ऐसी कोई वीकनेस बतानी है जो कि आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेवेंट ना हो, बट मेक्स योर पर्सनल वीकनेस नहीं बतानी है, या फिर थोड़ा बहुत ही रिलेवेंट हो। नंबर टू, एक्शन प्लान। जब भी आप अपने वीकनेस को बताएंगे हमेशा आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए कि किस तरह आप अपने वीकनेस को ठीक करेंगे। नंबर थ्री, लर्न एंड ग्रो। अपने वीकनेस को इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि आप अपने आप में लर्निंग देखते हो और साथ ही ग्रो भी करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन आंसर लाइक दिस, आई हैव नोटिस दैट आई टेंड टू बी ओवरली डिटेल ओरिएंटेड एट टाइम्स विच कैन समटाइम लीड टू डिलेज इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन। टू एड्रेस दिस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग टाइम मैनेजमेंट टेक्निक एंड डेलीगेटिंग टास्क मोर इफेक्टिवली। एक्स्ट्रा टिप्स जस्ट फॉर यू, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को बैलेंस करके बताना है। सपोज आप दो स्ट्रेंथ बता रहे हो तो फिर एक वीकनेस बतानी है। इंटरव्यू अटेंड करने से पहले आपको मॉक टेस्ट भी करना है अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट फील करो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको इस क्वेश्चन की क्लैरिटी मिल गई होगी। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल है तो फिर बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चाहे तो आप अपने आप को शेयर करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह की और भी वीडियो के लिए चैनल को विजिट करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप डेवलपिंग।